हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टडी आईएएस के थ्रू इंडियन पॉलिटी पे ये सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हर एक वो मुद्दे पर बात करेंगे जो इस परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसा कि आप सभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संदीप महेश्वरी जी का बहुत ही फेमस कोटेशन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड द शेयर द हैप्पीनेस विद अदर्स। इसलिए खुश रहिए और खुशियाँ औरों के साथ बांटिए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इफ यू वॉन्ट टू गेट एन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो प्लीज यूज दिस डिस्काउंट कोड स्टडी IAS फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन प्लस कोर्सेज एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह कि 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इशू करती हैं एक चार्टर। उस चार्टर में सीधे सीधे ये लिखा होता है कि जो एक प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, जिसका नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जिसे हम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स होगा टू ट्रेड इन इंडिया, जो कि पहले 15 साल के लिए दिया गया था। हालांकि 1609 में एक फ्रेश चार्टर ला करके उसे एक्सटेंड कर दिया गया था इनफाइनाइट टाइम के लिए। 1609 में विलियम हॉकिंस आते हैं कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में। उन्हें सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिलती है, लेकिन इसका विरोध किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उनका साम्राज्य स्थापित था। आपस में उनकी लड़ाई होती है। थॉमस बेस्ट, जो कि इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन थे, उनके द्वारा पुर्तगालियों की बहुत ही बड़ी हार होती है सी ऑफ सूरत में। 1612 में पुर्तगाली हार जाते हैं और 1613 में वो सूरत में फैक्ट्री बनाने में सफल होते हैं। उनसे जहांगीर इम्प्रेस्ड होके उन्हें परमिशन देता है कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं, वो वेयर हाउस होता था। इसी बीच 1611 में कंपनी मसूलीपत्तनम, जो कि आज आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ स्टार्ट कर देते हैं अपनी ट्रेडिंग और 1616 में वहाँ भी अपनी एक फैक्ट्री लगाने में वो सफल होती है। फिर आते हैं थॉमस रो। 1615 में थॉमस रो आते हैं जहांगीर से, उन्हें भी कुछ परमिशंस मिलती है, कुछ प्रिविलेज मिलती है, जैसे वो आगरा, अहमदाबाद और बरौच में फैक्ट्री लगाने की परमिशन उन्हें मिल जाती है और वहां भी फैक्ट्री बनाते हैं और धीरे धीरे ये धीरे धीरे कंपनी एक्सपेंड करती है। यहां पर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया, यानी अंग्रेजों का भारत में उदय कब होता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि 1740 में जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल चल रहा था सुप्रीमेसी को लेकर इंडिया में, तब इसका उदय होता है, क्योंकि उस समय वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था यूरोप में और उसी के कारण यहाँ भी एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन से हमारे देश में एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों हुआ, इसका क्या लेना देना है, और फ्रेंच क्यों लड़ रहे थे? सो बेसिकली वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन ये था कि ऑस्ट्रिया में एक महिला क्वीन बनना चाहती थी, जिसका सपोर्ट इंग्लैंड कर रहा था और जिसका विरोध फ्रांस कर रहा था। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चलता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा नवाब ऑफ बंगाल को हराया जाता है। तो वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 1761 में जो थर्ड बैटल होता है पानीपत का, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है, जिसमें मराठा हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। लेकिन ओवरऑल कहें तो जो बैटल ऑफ पलासी है और बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसको हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का उदय हुआ भारत में। एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, मुगल एम्परर शाह आलम वो देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब राइट्स ओवर द रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों का दीवानी राइट्स मिलता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसको हम कह सकते हैं दिस इज द टर्निंग पॉइंट और स्टार्टेड कैरियर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द टेरिटोरियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, उसके ऑफिसर्स अपने पर्सनल सुख सुविधाओं में लग जाते हैं, कंपनी घाटे में चली जाती है, कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है सहायता के लिए, उनसे $1 मिलियन की सहायता मांगती है। उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक शर्त रखती है कि वो कंपनी को $1 मिलियन देगी, उसके बदले में कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की पावर लेगी, यानी टू कंट्रोल एंड द रेगुलेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट। टू कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा एक एक्ट लेकर के आती है, जो कि ऑलमोस्ट 1773 से लेकर के 1858 तक चलता है।
इनका ये मानना था कि हर 20 साल में ये कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करेंगे। इसको कहते हैं क्विट प्रो क्यो, एक हाथ दो और एक हाथ लो। यानी कंपनी को उन्होंने $1 मिलियन दिया, उसके बदले में उसको रेगुलेट करने की पावर ले ली। और फिर आता है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस एक्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड द रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। It recognized the first time the political and the administrative functions of the company. It laid the foundations of the central administration in India. इसके features क्या क्या थे? तो company ने governor general of Bengal का एक नया office बनाया। पहले governor general of Bengal थे Lord Warren Hastings. This is the picture of Lord Warren Hastings. इन्होंने साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ इंडियन मैप। ये थोड़ा मजाकिया किस्म का बन गया है, लेकिन आपके समझने के लिए पर्याप्त है कि एक तरफ नीचे है मद्रास, ऊपर है बंगाल और इधर साइड बीच में है बॉम्बे। ये वो स्टेट हैं जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन तीनों पहले इंडिपेंडेंस थे, स्वतंत्र थे। बाद में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया ऑफिस बनता है, तो बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के नीचे। मतलब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो अब रिपोर्ट करेंगे किसको? बंगाल को। तो ये एक पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, यानी केंद्रीकरण। ठीक है, इन्होंने एक 4 जजेस की एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी 1774 में कलकत्ता में। साथ ही साथ दे ऑल्सो क्रिएटेड द 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वॉज ऑल्सो परफॉर्म द लेजिस्लेटिव फंक्शंस एज देयर सेकेंडरी फंक्शंस। तो उन्होंने एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई जिसका प्राथमिक काम तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना था, लेकिन उनका सेकेंडरी फंक्शन लेजिस्लेटिव फंक्शन भी था, रूल भी वही बनाती थी। ठीक है, अब तक एक बात समझ में आ रही थी, इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो दोनों कंपनी को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इनके बीच में कई सारे मतभेद होते थे जिसके कारण ये अच्छे से चल नहीं पा रहा। इसे बाद में सेटलमेंट एक्ट 1781 के थ्रू इसे बदल दिया जाता है और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया जाता है, और इसमें एक ऐसा प्रोविजन लेकर आते हैं जहां सिर्फ गवर्नर जनरल कंट्रोल कर सकता था कंपनी को, एंड दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जहां पर लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा, कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज की डेट में अगर बात करें तो आज जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, वो लेजिस्लेचर है, वो सुप्रीम बॉडी है। एग्जीक्यूटिव यानी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये सेकेंडरी बॉडी है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑल 3 आर सेपरेट। This is called the separation of power. This is called the doctrine of separation of power. ठीक है? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसे कॉपरेट नहीं कर पाई और ये एक्ट फेल हो गया। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक अमेंडिंग एक्ट लेकर आए थे 1781 में, which was also known as amending act 1781. ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। देखिए, जब कंपनी का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और वो फेल हो जाता है, फिर तब उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बेसिकली द पिट्स द यंगर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। दिस इज द पिक्चर ऑफ पिट्स द यंगर एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। तो इसके फीचर्स क्या थे, इस एक्ट में ऐसा क्या था जो इस एक्ट को इम्पोर्टेंट बनाता है? सो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू कंपनी की कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम अनाउंस किया जहां इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स को देखता था। इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट और द रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया। साथ ही साथ इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जितने भी क्षेत्र में फैली हुई थी वो क्षेत्र ब्रिटिश पोजिशन कहलाएगा, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में वो क्षेत्र आएंगे। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ
1833। उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे विलियम बेंटिक। ऐसा माना जाता है कि ये जो चार्टर एक्ट था 1833 का, ये फाइनल स्टेप था टू कॉलोनाइजेशन, टू सेंट्रलाइजेशन। इंडिया कॉलोनी बन चुकी थी और ब्रिटिश इंपीरियल पावर बन चुके थे। लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल टोटल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओपन करा। इन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इनफाइनाइट एक्सटेंशन दे दिया ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या रेगुलेटिंग एक्ट सक्सेसफुल था? तो इसका आंसर है जी हाँ, सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कंट्रोल कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चल रही थी। तो यहाँ पर खत्म होता है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। हालांकि 1857 में सिपाही विद्रोह होता है जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, इसकी नोट्स रिवाइज कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी PPT शेयर करने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद इसकी PPT जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और सेकंड टाइम रिवीजन के तौर पे उस PPT को ओवरऑल आप देख लेंगे जब, और एक बार जरूर M. लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। एक हमारा ये वीडियो, एक इसकी PPT रिवीजन के तौर पर, और एक बार M. लक्ष्मीकांत, ये तीन बार आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये रिवाइज होता जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रीड वन सोर्स एंड रिवाइज एज मैनी टाइम एज यू कैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम जानेंगे कि क्राउन रोल कैसे आया जो कि 1858 में आया, 1857 की क्रांति कैसे होती है, उसके क्या कारण थे, उसमें कंपनी की जीत कैसे होती है, और फिर क्राउन रूल कैसे आता है। इस सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड, बी मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, डू सब्सक्राइब स्टडी IAS। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।